जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे। वैसे तो हम लोग पहले ब्रेक स्टेटमेंट को एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार इसका हम जिक्र कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर किस तरह से काम करता है। अगर लूप के पूरा एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमको अगर लूप से बाहर आना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आइए इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जांपल का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अगर हम समझें तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में आई नाम के वेरिएबल का जन्म होगा, फिर CLRSTR। अब इस लूप पर निगाहें जमाते हैं दोस्तों तो हम देखें तो सबसे पहले तो इस लूप के अंदर लिखा हुआ ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा जो कि आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा जीरो से। तो आई की वैल्यू सबसे पहले दोस्तों जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब यहाँ से कंट्रोल आएगा इस एक्सप्रेशन टू पर। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है और यही कंडीशन जिम्मेदार होती है ये बताने के लिए कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलता है, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप रुक जाता है। तो अभी आई की वैल्यू जीरो है, जीरो लेस देन और इक्वल टू फोर। जरा बताइए दोस्तों कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? मुझे यकीन है आपका जवाब ट्रू ही होगा क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है, जीरो तो फोर से छोटा होता है। तो कंट्रोल इस लूप के अंदर आया। अब दोस्तों जैसे ही कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले इस इफ ने उस कंट्रोल का स्वागत किया और इस इफ के आगे लिखी हुई है ये कंडीशन जिसके ट्रू होने पर कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में चला जाएगा। तो जरा देखते हैं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। आई की वैल्यू है दोस्तों जीरो, जीरो इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो दोस्तों इस इफ के ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि है ये ब्रेक स्टेटमेंट। इस इफ का हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बनाए, इसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं बनाए, जिसका कि ये मतलब हुआ कि इस इफ के ब्लॉक में सिर्फ ये एक लोता इंस्ट्रक्शन यहाँ मौजूद है। ये जो ब्रेक है दोस्तों ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड बोले तो दोस्तों ऐसा वर्ड जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हो गई थी फॉल्स क्योंकि आई की वैल्यू थी जीरो। तो क्या कंट्रोल इस इफ के अंदर इस इफ के ब्लॉक में जाना पसंद करेगा क्या? जी नहीं। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? कंट्रोल इस इफ के बाहर लिखा हुआ ये जो प्रिंट एफ इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे ही दोस्तों ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा यहाँ से आई की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, तो जो कि पहले इटरेशन के दौरान है जीरो, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा जीरो। अब कंट्रोल यहाँ से वापस जाएगा एक्सप्रेशन थ्री पर और यहाँ से आई की वैल्यू में एक का हो जाएगा इजाफा, मतलब आई की वैल्यू जो कि अब तक थी जीरो अब बढ़कर हो गई है वन। अब कंट्रोल वापस यहाँ से यहाँ आया, इस कंडीशन पर आया। अब जैसे ही ये कंडीशन चेक की गई तो ये बताइए दोस्तों कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने की वजह से कंट्रोल फिर से कहाँ आ जाएगा? इस लूप के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो वापस लूप के अंदर कंट्रोल आ जाता है। ये कंडीशन चेक की जाती है सबसे पहले, ये इफ से कंट्रोल का सामना होता है जैसे वो लूप में आता है। ये कंडीशन चेक की गई, आई की वैल्यू है वन, वन इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा फॉल्स। इसके फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में तो जाएगा नहीं, सीधा आ जाएगा इस प्रिंट एफ पर। और जैसे ही इस प्रिंट एफ पर आएगा तो इस प्रिंट एफ के जरिए आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू अभी इस वक्त है वन, यानी कि यहाँ से प्रिंट हो जाएगा वन। अब दोस्तों कंट्रोल जाएगा वापस यहाँ, आई की वैल्यू में फिर से एक का इजाफा होगा। अभी आई की वैल्यू वन थी अब हो जाएगी टू। अब फिर से ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, ये कंडीशन है ट्रू, तो टू लेस देन और इक्वल्स टू फोर, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंट्रोल आएगा अंदर, जैसे अंदर आएगा टू इक्वल्स टू थ्री, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। फिर से इस प्रिंट एफ पर आएगा, जैसे ही ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा आउटपुट स्क्रीन पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि है टू। अब फिर से कंट्रोल वापस यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू में हो जाएगा एक का इजाफा, अब तक थी आई की वैल्यू टू अब हो जाएगी ये वैल्यू थ्री। और फिर से अब कंट्रोल यहाँ आया,
यहाँ ये कंडीशन चेक की गई, कंडीशन हो जाएगी ट्रू क्योंकि 3 less than or equals to 4 होता है। कंट्रोल अंदर आया। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों, आई की वैल्यू है इस वक्त 3। कंट्रोल जैसे ही लूप के अंदर आया तो उसका सामना इस इफ से हुआ और इस इफ के अंदर लिखी हुई ये कंडीशन चेक की गई। दोस्तों आई की वैल्यू है 3, तो 3 equals to 3। ज़रा बताइए कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ट्रू होगी, बेशक ट्रू होगी। तो जैसे ही दोस्तों ये कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक में चला जाएगा इस बार। और इस इफ के ब्लॉक में है ये इकलौता स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। अब जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट पर कंट्रोल आया, ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक उसी वक्त कंट्रोल ना आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, सीधा फोर लूप से बाहर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि सीधा कंट्रोल यहाँ से इस लूप के बाहर आ जाएगा और इस लूप के बाहर लिखे हुए जस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। इस कर्ली ब्रैकेट के बाद, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बाद जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये है दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट की खूबसूरती। अभी आप देख सकते हैं लूप की जो टेस्ट कंडीशन थी, ये जो कंडीशन थी जिसके बेसिस पर अभी तक ये डिसाइड होता था कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा, अभी वो कंडीशन फॉल्स हुई थी क्या दोस्तों? अभी तक तो नहीं हुई थी। आई की वैल्यू तो 3 थी, तो ये वाली कंडीशन तो अभी ट्रू थी। इसके ट्रू होने के बावजूद भी कंट्रोल फोर लूप से बीच में ही बाहर चला आया। ये इस ब्रेक स्टेटमेंट की है दोस्तों ताकत। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ नहीं होता तब आउटपुट स्क्रीन पर जो हमको आउटपुट नज़र आता वो आता 0 1 2 3 4, पर सिर्फ दिखेगा क्या 0 1 2, क्योंकि लूप पूरा एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया, ब्रेक स्टेटमेंट ने उसे बीच में ही ब्रेक कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को करते हैं अब यहीं एंड। होती है मुलाकात अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।